झांसी के मोड कोतवाली क्षेत्र में मदिरा के नशे में चूर तेज रफ्तार दौड़ रही एक एम्बुलेंस चालक ने एक गाय को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि ग्रामीणों ने एम्बुलेंस चालक को रोकने का प्रयास किया तो एम्बुलेंस चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए ग्रामीणों को कुचलने का प्रयास करने लगा और तेजी से एम्बुलेंस को लेकर भाग खड़ा हुआ। इसके उपरांत कुछ ग्रामीणों ने उसका पीछा किया तो एम्बुलेंस चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए पूंछ थाना क्षेत्र के ग्राम खिल्ली के पास से निकली रेलवे क्रॉसिंग के पास एम्बुलेंस को छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। सूचना लगते ही मीडिया टीम भी मौके पर पहुंची। दुर्घटना करके भाग कर रही एम्बुलेंस को मीडिया ने अपने कैमरे में कैद किया और संबंधित पुलिस को सूचना देने का प्रयास भी किया, लेकिन कई घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जब मीडिया की टीम ने झांसी एसपी ग्रामीण से उक्त मामले की जानकारी की तो झांसी एसपी ग्रामीण ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मोड कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बमरौली का है, जहां ग्रामीण संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि तेज रफ्तार दौड़ रही एम्बुलेंस ने गाय को रौंद दिया। जब ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास किया तो एम्बुलेंस चालक और एम्बुलेंस में बैठे लोग मदिरा के नशे में है। कुछ ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास किया तो एम्बुलेंस चालक ने उन्हें भी कुचलने का प्रयास किया, जिससे ग्रामीण अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए और एम्बुलेंस चालक मौका पाकर एम्बुलेंस लेकर फरार हो गया। कुछ ग्रामीणों ने एम्बुलेंस का पीछा किया। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ के आप? बमरौली। अरे यहाँ पर क्या मामला हो गया? अरे एक एम्बुलेंस आ रही थी पूंछ साइड से, तो एक गाय थी, उसने जड मारी, ड्राइवर नशा में था। हम लोगों ने आगे रोका, इतने नशा में था कि हम लोगों के भी ऊपर गाड़ी चढ़ा दी था, रोका नहीं, भाग गया। भाग गया। तो गाय का क्या हुआ? मर गई। खत्म हो गई। कौन सी एम्बुलेंस थी? एम्बुलेंस कौन सी थी, कुछ जानकारी मिल पाई इसकी? यही मौत की थी, स्वास्थ्य विभाग 108। आपने इसकी शिकायत की अभी कोई से? नहीं। ग्राम खिल्ली के ग्राम प्रधान ब्रजेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के पास से निकली रेलवे क्रॉसिंग के पास एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस को खड़ी करके भाग गया। ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन कई घंटे सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। जानकारी लगते ही मीडिया टीम भी मौके पर पहुंची। मीडिया ने टूटी हुई एम्बुलेंस को अपने कैमरे में कैद किया, लेकिन पुलिस फिर भी मौके पर नहीं पहुंची। मीडिया टीम ने भी झांसी एसपी ग्रामीण से उक्त मामले में बातचीत कर सूचना देने का प्रयास किया। झांसी एसपी ग्रामीण ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि क्या आप लोग एम्बुलेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? अब तो साहब यूपी में सूचना देना भी गुनाह हो गया है। सूचना देकर क्या गुनाह कर दिया? जिस गाय के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करोड़ों रुपए की योजनाओं से गायों की सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं, वही झांसी में गाय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। देख लीजिए सूबे के मुख्यमंत्री साहब कैसे जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस विभाग के मुखिया, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। जिस एम्बुलेंस ने गाय को मार दिया, 4-5 ग्रामीणों को कुचलने का प्रयास किया, उक्त घटना की सूचना अगर पुलिस को दी गई तो उल्टा पुलिस सूचना देने वाले एवं मीडिया से ही मुकदमा लिखवाने की नसीहत दे रही है। ऐसे जिम्मेदार झांसी में बैठे पुलिस विभाग के एसपी ग्रामीण गोपीनाथ हैं। यहाँ तो खुलेआम गाय को एम्बुलेंस ने रौंद दिया, सूचना दी तो पुलिस विभाग के मुखिया का भी गैर जिम्मेदाराना बयान मिला। फिलहाल कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश में राम राज्य और राम राज्य की तस्वीर और कानून व्यवस्था की हकीकत झांसी से सामने आई है। गाय की मौत के बाद कैसे ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों ने मुंह मोड़ लिया? उस गाय को रोड किनारे कोए और कुत्तों को नोचने के लिए फेंक दिया गया। ये तस्वीर है मोठ ब्लॉक के ग्राम बमरौली की, जहां जिम्मेदार तहसील मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर पर यह कृत्य को ग्राम प्रधान ने अंजाम दिया है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। क्या नाम है आपका? कहां के? ब्रजेश कुमार, ग्राम प्रधान खिल्ली। यहां पर ये एम्बुलेंस खड़ी है, क्या है मामला? ये एम्बुलेंस एक एक्सीडेंट करके आई है मोठ साइड से, जो कुछ पीछे करके आए थे, तो जो एम्बुलेंस फाटक लगे हुए के कारण अमगाव फाटक जो छोड़ के बोले गौशाला खिल्ली में छोड़ के भाग गए वो, और काफी देश में फास्ट गाड़ी थी। हम लोग यहाँ ढाला खोला एक एपेक्स की वो फैक्ट्री है, वहाँ बैठे थे, वहाँ देखा हम लोग, सब लोग बचे, वो लोग लापता हो गए, रेल की पटरी बनती वो नाक के भाग गए सब लोग। इसकी सूचना कहीं दी गई अभी? हाँ, पूछ थाना और मोठ थाना दी गई है, जो पुलिस वाले आ रहे हैं एम्बुलेंस लेने के लिए, लावारिस में छोड़ के भाग गए गाड़ी। कोई जानकारी मिल पा रही कितने लोग थे इसमें? अब जो जानकारी, रात का समय है, 2 लोग तो दिखाने हैं, रात का समय में कोई नहीं रखा, उसमें भी एक पीछे से भी उतरा है, दो आगे से भी उतरे, तो समझ में क्या लोग थे गाड़ी में, उदारी की महक भी आ रही है गाड़ी के अंदर।
शराब की नहर। हाँ, दारू की नहर है, अंदर उसमें पानी की बोतल डली है, नमकीन की पुड़ियां डली है गाड़ी के पीछे। क्या लग रहा है, पिए शराब पिए थे क्या? तो पी रहे हैं, गाड़ी के अंदर नमकीन और वो बोतल पानी मिल रही है तो उसे दारू पी है। तो पुलिस गाड़ी के अंदर पीछे जो मरीज बैठते है उसमें हवा रखी है।